हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेहत प्रिय एडू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश ऑनर्स बड़वानी यूनिवर्सिटी के अंडर में कौन सी बुक्स हम लोगों को खरीदने चाहिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज सैयद परवेज रहमान एंड यू आर वॉचिंग सैयद प्रिय एडू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, पहले मैं बात कर लेता हूँ कि इंग्लिश ऑनर्स पे, ठीक है, आपने कौन से सब्जेक्ट चूज़ किए। मतलब इंग्लिश का जो सिलेबस है CC1, CC2, मतलब कोर कोर्स 1, कोर कोर्स 2, ये आपका इंग्लिश ऑनर्स का सब्जेक्ट है। ठीक है, CC1, CC2 एंड इसके बाद आता है कि पास में आप लोगों को, देखिए बहुत से कॉलेज में क्या होता है कि 2 सब्जेक्ट लेने पर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे कॉलेज में जो है सीवी विद्यासागर कॉलेज, वहाँ पे बस एक सब्जेक्ट ही पास में रहता है। ठीक है, उसको कहते हैं GE1। ठीक है, एंड और एक कंपलसरी सब्जेक्ट रहता है, वो एनवायरमेंटल स्टडीज़ रहता है, AECC1। ठीक है, तो अभी हम लोग CC1 एंड CC2, मतलब इंग्लिश ऑनर्स के जो सब्जेक्ट्स है, मतलब इंग्लिश ऑनर्स के जो सिलेबस में जो कुछ भी है ना, कि वो जिस बुक को खरीदने से हम लोगों को मिलेगा, वही बुक मैंने आप लोगों के सामने रखा है। ठीक है, तो देख लीजिए, हम लोग देख लेते हैं इस बुक का नाम क्या है। इस बुक का नाम है ए गाइड टू क्लासिकल लिटरेचर चैटर्जी बसुपाल। ठीक है, आप किसी भी लोकल स्टोर में जाइएगा और कहिएगा कि मुझे चैटर्जी बसुपाल इसका जो बुक है वो मुझे दे दीजिए, इंग्लिश ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर बड़वानी यूनिवर्सिटी। ठीक है, और देखिए इस बुक के साथ आपको ये बुक मिलेगा। सो ये आपका टेक्स्ट बुक है। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे टेक्स्ट आपको मिल जाएंगे। और ये वाला जो बुक आप देख रहे हैं, ये बुक बस एक गाइड है। ठीक है, गाइड मतलब कंपेनियन, जैसे कि आपने क्लास 12 पे बहुत सी कंपेनियन यूज़ किए, वैसा ही ये एक कंपेनियन सा है। और ये वाला है टेक्स्ट बुक। अब यहाँ पे एक दो टेक्स्ट नहीं है, वो इस गाइड बुक पे क्या किया कि ना, समरी के रूप में दे दिया गया है। ठीक है, तो फिर हम लोग देख लेते, पहले टेक्स्ट बुक को देख लेते। तो देखिए यहाँ पे आप लोग कंटेंट्स मिल जाएगा। अब इस कंटेंट्स पे देखिएगा, आपको एक दो स्टोरी शायद नहीं मिल सकता है। ठीक है, वो आपको इस बुक में मिल जाएगा समरी के रूप में, मैंने कहा आपको। सो ये आपका कंटेंट्स है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि पेज का क्वालिटी देखिए, मैंने खुद इसे यूज़ किया इस बुक को। ठीक है, पेज का क्वालिटी बहुत अच्छा है, आप जब पढ़ेंगे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। इसे हाथ देके समझ में आ रहा है। ठीक है, एंड इसका प्रिंट क्वालिटी देख सकते हैं। देखिए प्रिंट पे मिस्टेक, मैंने जब पढ़ा था तब मुझे ज़्यादा मिस्टेक नहीं मिला था। ठीक है, और मिस्टेक अगर मिलता भी है तो फिर आप लोगों को वो पता चल जाएगा, क्योंकि वो स्लाइड से मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, प्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छा है, बुक तो बहुत अच्छा है, पेज क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। ठीक है, इस बुक को एक आप अगर इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हैं बड़ौनी यूनिवर्सिटी के अंडर में एंड फर्स्ट सेमेस्टर, तो फिर इस बुक को ज़रूर खरीदिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, एंड ऐसे बहुत से टेक्स्ट है, इसे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, एंड हाँ, अब आप तो फर्स्ट सेमेस्टर है, तो आपको जो सोच में आएगा कि इतने सारे मीनिंग तो आप लोगों को मालूम नहीं है, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे आप। देखिए उसके लिए भी मैं एक वीडियो लाऊंगा, उस वीडियो को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो फिर वहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि कौन से डिक्शनरी आप यूज़ कर सकते हैं इस इंग्लिश ऑनर्स को, इंग्लिश ऑनर्स के जो बुक्स है उनके मीनिंग को समझने के लिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये था टेक्स्ट बुक। अब हम लोग आ जाते हैं कंपेनियन ए गाइड टू क्लासिकल लिटरेचर। मैंने टेक्स्ट को पूरा कंप्लीट किया था, मगर इस बुक को पूरा तो कंप्लीट नहीं कर पाया था, ज़रा सा पढ़ा था। यहाँ पे आप कंटेंट्स देख सकते हैं। ठीक है, प्रिंट क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, और पेज का जो क्वालिटी है ये तो शायद इससे भी ज़्यादा बेटर है। इसका जो पेज क्वालिटी है इसका ज़्यादा बेटर है, मुझे तो कुछ वैसा ही लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट क्वालिटी, आप चेक कर ले सकते हैं। एंड मैं आपको ज़रा सा दिखा देता हूँ कि ये कैसे करके है। जैसे कि मान लीजिए कि अभिजीत जिन्होंने शकुंतलम इंट्रोड्यूसिंग कालिदास, ठीक है, यहाँ पे कालिदास का एक इंट्रोडक्शन दे दिया गया है, उसके बाद देख लीजिए। हाँ, और उसके बाद ये जो देख रहे हैं ऑन अभिजीत जिन्होंने शकुंतलम एक क्रिटिकल ओवरव्यू। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पे आके इसका जब ओवरव्यू ख़त्म हो जाता है तब क्वेश्चंस एंड आंसर्स आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स है, ठीक है, बहुत से क्वेश्चंस एंड आंसर आपको मिल जाएंगे। इससे आपको इस बुक को अगर आप फॉलो करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगी कि 5 नंबर्स के क्वेश्चंस कितने बड़े होते हैं, 10 नंबर्स के क्वेश्चंस कितने बड़े होते हैं। यानी ये बुक बहुत अच्छा है, मतलब ये बुक पढ़ने में बहुत आसान है, मैंने खुद भी पढ़ा है। इसमें ज़्यादा वर्ड्स टफ नहीं होते, ठीक है, और जो कुछ भी टफ है ना कि वो तो आपको डिक्शनरी यूज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि आप एक इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था इंग्लिश ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर बड़वानी यूनिवर्सिटी के अंडर का बुक जो आपको ख़रीदने चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर इस वीडियो पे एक लाइक दे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको बुक रिव्यूज़, एनिमीज, मूवीज़ एंड मेनी मोर स्टफ्स लाइक दैट, ओके, अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगता है तो फिर आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम लोग ऐसे वीडियो लाते रहते, ठीक है। एंड माय नेम इज शरद पारवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।